नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं उस टॉपिक पर लेकर आया हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो 30, 32, 33 कई बार 36 गुण मिलने के बाद भी आगे जाकर के उनके शादी संबंध टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि हमने गुण मिलान किया था, अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो फिर शादी क्यों टूटी? अगर शादी को टूटना ही था तो फिर गुण मिलान का महत्व ही क्या है? ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है और ये समस्या आम समस्या है। हमारे पास बहुत से लोग जब अपनी कुंडली लेकर आते हैं बच्चों की, वो कहते हैं कि जी इनके गुण नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बहुत से लोगों के गुण मिल जाते हैं, फिर उनकी भी तो शादी टूट जाती है, तो हम क्या करें? उनकी ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। दोस्तों, एक चीज को समझिए, गुण मिलान एक अलग विषय है और कुंडली मिलान एक अलग विषय है। अगर मान लीजिए आपके पास में बच्चों की कुंडलियां नहीं है, तब आप क्या करेंगे, कैसे गुण मिलाएंगे? तब आप क्या करते हैं, लड़के का नाम और लड़की का नाम, उन दोनों की राशियां, उन दोनों की राशि से बोलते नाम से आप गुण मिलाते हैं। आप कहते हैं जी हाँ जी 22 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए या 32 गुण मिल गए, आप शादी कर लीजिए। लेकिन वास्तव में उनकी कुंडलियां अगर अलग हुई और उसके आधार पर यदि कुंडलियों के अंदर हम बात करें कि गुण 10 ही मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो क्या शादी संपन्न की जानी चाहिए? एक बड़ा प्रश्न है। अमूमन बहुत से लोग फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, परिवार के बीच में रिश्ता आया है और दोनों परिवार भी तैयार है, लेकिन जब कुंडली मिलाने बैठते हैं तो पता लगा कि दोनों के तो केवल 12 गुण मिल रहे हैं, अब क्या करें? अब शादी को संपन्न करें या नहीं करें? लड़का और लड़की भी तैयार है, दोनों के परिवार भी तैयार है, लेकिन कुंडली मैच नहीं कर रही, गुण मिलान नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें? दोस्तों, यदि आप ये देखते हैं कि गुण मिलान नहीं हो पा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या उन दोनों की कुंडलियां आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। गुण मिलान अलग विषय है, कुंडली मिलान अलग विषय है। उन दोनों के लग्न के संबंध कैसे बन रहे हैं, लग्न के स्वामियों की मित्रता कैसी है, महादशाएं उनको कैसी चल रही है, सप्तम भाव दूषित तो नहीं है, 11th हाउस उनका कैसा है, 5th हाउस उनका कैसा है, 4th हाउस उनका कैसा है, यदि वहां पर आपको बहुत सी चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है तो ऐसे में आप उन बच्चों को शादी करने के लिए इजाजत दे सकते हैं। खाली इस आधार पर कि हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं और फिर यदि आप रिश्ता तोड़ देते हैं या नहीं करते हैं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, वो बच्चे आगे जाकर के शादी तो करेंगे क्योंकि एक दूसरे को चाहते हैं, आपकी भी पसंद उसमें शामिल है और आप रिश्ता करना भी चाहते हैं, लेकिन कुंडली के आधार पर अब आपके मन में संशय है कि रिश्ता करें या ना करें। दोस्तों, ये वीडियो लाने के पीछे मकसद मेरा यही है कि आज के वर्तमान परिदृश्य में ये आम बात हो गई है, बच्चे और बच्चियां अपनी पसंद के लड़कों लड़कियों से शादी करते हैं। ऐसे में वो ये भी नहीं चाहते कि हम अपने मां बाप के विरुद्ध जाकर के शादी करें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पहले वो कुंडलियां मिलाएंगे बाद में फ्रेंडशिप करेंगे, और मां बाप भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कर दें जहां बाद में समस्या हो, या अनजान लोगों से कर दें, हम बच्ची अपनी पसंद का लड़का देख के लाई है या अपना उसका अपना जाना पहचाना व्यक्ति है, उसी के कार्य क्षेत्र में कार्य करता है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं, परिवार भी अच्छा है, अब हम डिनाय करें तो किस आधार पर करें? सिर्फ इस आधार पर कि कुंडली मैच नहीं करती? दोस्तों, कुंडली मैच नहीं करती ये शब्द मैंने बोला, हकीकत में मुझे ये नहीं कहना है। कुंडली मैच नहीं करती है मतलब है कि गुण नहीं मिलते हैं। अभी आपने सिर्फ एक पार्ट देखा है कि गुण नहीं मिलते हैं, अभी कुंडली का दूसरा पार्ट बाकी है कि कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है।
अगर कुंडली नहीं मिलती तो दोनों एक दूसरे के अफेयर में होते ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्न के स्वामी की मित्रता होगी या मित्र लग्न के होंगे तभी उनके विचार मिलते होंगे और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि लग्न कहीं ना कहीं मिले हैं तभी वो एक दूसरे के संपर्क में है। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि क्या लड़का या लड़की के सप्तम भाव तो दूषित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के अंदर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की वजह से वो लोग इस तरह का निर्णय लेते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन बाद में थोड़े समय बाद ही उनके जीवन में क्लेश शुरू हो जाता है और फिर बाद में सेपरेशन की स्थिति आ जाती है। ये कुंडली बिल्कुल बताती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा या होने की संभावना कितनी है। यदि दोनों की कुंडली में सप्तम भाव दूषित है और ऐसा कोई योग बन रहा है तो फिर आपको उन दोनों को जरूर समझाना पड़ेगा कि भाई देखिए आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, आगे जाकर के आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आने वाली है, वहां पर आप उनकी काउंसलिंग कीजिए। अगर काउंसलिंग कर देते हैं, आप उनको समझा देते हैं कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स आने वाली है और आपको मेंटली मैच्योरिटी के साथ में इस चीज को हैंडल करना है, अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो थोड़े समय के बाद में आप इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे और साथ में कुछ रेमेडीज भी करेंगे तो आप अपने लाइफ को मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें अवेयर नहीं करते हैं तो थोड़े समय के बाद में वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप एक दूसरे को फिर टोकना शुरू करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आगे जाके वो सेपरेशन की स्थिति आती है, क्योंकि कुंडली में वो योग बन रहे थे। अगर कुंडली में योग बन रहे हैं और अनिष्टकारक योग है, पता है कि आगे जाकर के दिक्कत आने ही वाली है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के लग्न के स्वामी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, गुण भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में आपको उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये शादी आगे जाकर के कामयाब नहीं होने वाली है, आप लोग इस चीज के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं ये बात तो आगे जाकर के आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ नहीं दिया या हमें अवेयर नहीं किया, क्योंकि परिणाम ये होने वाला है। ऐसे में कुंडली मिलान कर लेते हैं और उसके अंदर कोई संदेह नहीं है तो फिर गुण मिलान नहीं होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बच्चों की इच्छाओं के विपरीत जाकर के फिर दोबारा कुंडली किसी की मिलाएंगे आप, फिर अपनी पसंद का कोई लड़का लेकर आएंगे, हो सकता है उस लड़की का, आपकी बच्ची का या बच्चे का उस लाइफ पार्टनर से संबंध ठीक ना रहे हैं, विचार ना मिले, फिर आप क्या करेंगे? या तो आप फिर पूरी तरह से इस चीज को फॉलो कीजिए कि हम उस लड़के या लड़की से शादी नहीं करेंगे जिससे इसकी कुंडली पूरी तरह से मैच नहीं होती है। अगर उस पर बिलीव करते हैं तो फिर आप उस थ्योरी पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ होती है, कई बार ऐसा होता है कि 10-10 5-5 20-20 कुंडलियां भी देखनी पड़ जाती हैं लेकिन कोई लड़का समझ में नहीं आता है, ऐसे में आपको तकलीफ होती है, लेकिन यदि सही कुंडली मिल जाती है तो भी आपकी उस समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव दूषित है, ऐसे में आपको दूसरी कुंडली जो देख रहे हैं आप लाइफ पार्टनर की, उसकी कुंडली का सप्तम भाव दूषित नहीं होना चाहिए। शादी संबंधों का खराब होने का एकमात्र कारण होता है सप्तम भाव का दूषित होना। यदि सप्तम भाव दूषित होगा तभी कोई शादी संबंध खराब होंगे। बिना सप्तम भाव दूषित हुए कभी शादी के संबंध खराब हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि ऐसी कोई संभावना बनती है, भविष्य में जाकर के कोई अनिष्टकारक योग बनते हैं, ऐसी संभावना बनती है कि इनके शादी संबंध खराब हो सकते हैं, तो आप उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं, रेमेडीज पहले कर सकते हैं, कुछ नियम कायदों को फॉलो करके फिर उसके बाद में आगे आप उस चीज में बढ़ सकते हैं, तब जाकर के आपको उस चीजों से अपने आप को बचाने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा, हालांकि ये कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि अमिताभ बच्चन जी के भी पुत्र अभिषेक बच्चन जी की कुंडली के अंदर भी किसी तरह की कोई समस्या थी। ऐश्वर्या राय से जब उनकी शादी की बात चल रही थी तब,
तो उन्होंने वहां पर भी त्रंबकेश्वर में और कहीं जाकर के बहुत पूजा अनुष्ठान करने के बाद में फिर उन्होंने शादी को संपन्न किया। आज आप देखिए इतने समय के बाद भी उनकी शादी बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे बहुत से ऐसे उपाय हैं, यदि आपका सप्तम भाव दूषित है तो भी आप उसके पहले से तैयारी करके या उपाय करके फिर आप शादी को संपन्न करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी फिर वो शादी संबंध जो है वो सही चल जाए। इसमें पीपल विवाह, कुंभज विवाह, ये बहुत से ऐसे मेथड हैं जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में दिए गए हैं। यानी कि भगवान विष्णु से पहले यदि हम विवाह करा दें उस कन्या का तो फिर कुंडली में सप्तम भाव का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहला विवाह हमने भगवान विष्णु के साथ कर दिया, अब दूसरा विवाह उस बच्चे का उस लड़के के साथ होने जा रहा है। ऐसे में सप्तम भाव का दोष का परिहार हो जाता है और शादीशुदा जिंदगी की सफलताओं की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा जरूर पसंद आया होगा, आपकी इस चिंता का निवारण भी जरूर हुआ होगा कि यदि आपके बच्चों की कुंडली में गुण नहीं मिल रहे हैं तो कुंडली मिलान कराइए। यदि कुंडली मिलान भी नहीं हो रहा है और दोनों लड़के और लड़कियां आपस में चाहते हैं शादी करना तो फिर उनकी काउंसलिंग कराइए, उनको समझाइए, अवेयर कीजिए आने वाले फ्यूचर के प्रति, और फिर उनकी पहले से रेमेडीज कराकर 2-4-6 महीने का इंतजार करके उस समय को दीजिए, रेमेडीज कीजिए और फिर उसके बाद में शुभ मुहूर्त में विवाह को संपन्न कराइए। उस विवाह के चलने की संभावना बढ़ जाती है। 90% केसों में यह संभव है, लेकिन 10% केसों में हो सकता है कि कुछ योग ऐसे हों जो किसी भी कंडीशन में उनकी शादी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस शादी को मत करिए क्योंकि समस्या बाद में आने वाली है। इसलिए मेरा ये फर्ज था कि मैं आपको इस चीज को लेकर अवेयर करूं कि आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है और माँ बाप बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। इसलिए वीडियो आप लोगों की मदद करेगा इस कंफ्यूजन को दूर करने में और उचित परामर्श लेकर के फिर आप आगे बढ़िए, आपको आपके बच्चों के जीवन के अंदर समस्याओं को सुलझाने का पूरा मौका मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो मेरा आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।